विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो दोस्तों आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं और आज हम 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों ये जो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ी लिया होगा, आज हम इंडियंस लोगों से पूछ रहे हैं कि इंडिया के बारे में आप लोग कितना जानते हैं। तो ऐसे ही रैंडम लोगों को हम कुछ सवाल पूछेंगे भारत की हिस्ट्री के बारे में और पता करेंगे कि वो कितना जानते हैं भारत के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और एंड तक देखना, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं लोगों से, जैसे भारत के लोग भारत के बारे में क्या जानते हैं। जैसे हमारा मेरा पहला सवाल है कि हमारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कब कब आता है? 26 जनवरी 1950। नहीं, 15 अगस्त को रूल्स रेगुलेशन बने थे तो गणतंत्र स्वतंत्र आता है 26 जनवरी को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्र दिवस तो 15 अगस्त को आता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है। 15 अगस्त होता है। अब आपसे दूसरा सवाल जी के बेकार है, दूसरा सवाल पूछते हैं, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग हमारा हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया हमारा वंदे मातरम। बिल्कुल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। बिल्कुल सही। ये जी कौन सा है? जनगण ना 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 मिस कर रहा हूँ। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। बिल्कुल नेशनल सॉन्ग तो वंदे मातरम है। और हमारे इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं? 35 से ज़्यादा ही हैं तो, लेकिन 29 हो गए जम्मू कश्मीर को मिला के। 29। और हमारा जो स्लोगन अंकल आराम हराम है, ये किसने लिखा था? ये नेताजी सुभाष बोस। यार ये क्या पूछ लिया, आराम हराम है मेरे को नहीं पता यार, आराम हराम है किसने बोला था? रविन नहीं, ये तो बोला था इन्होंने, लालबहादुर शास्त्री ने बोला होगा इसको भी। ये तो सभी लोग बोलते हैं सभी लोगों का बोलने का ये ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस शायद, और लाल बहादुर शास्त्री ने शायद दिया था, 100% नहीं बोल सकता। हमारा वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है ये किसने लिखा था? ये चटर्जी ने लिखा, चटर्जी ने लिखा था। बिल्कुल सही बात। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन। या वंदे मातरम का नहीं पता मेरे को। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद चटर्जी ने। हमारा इंडिया है ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे मना रहा है इस बार? 76th इंडिपेंडेंस। ये 75वां है। 75 ठीक है, बहुत 75 75वां मना रहा है। अच्छा, और जय जवान जय किसान ये स्लोगन किसने बोला था? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। चलिए अभी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपका नाम नहीं बताया आपने, आपने नाम नहीं बताया आपका। मेरा नाम है रोहित। चलिए भैया ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद भैया, आपसे बस इतना ही सवाल पूछना था। ठीक है भैया, धन्यवाद, आपने बहुत सही जवाब दिए। धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे मैंने बहुत सारे आंसर दिए लेकिन बहुत सारे गलत ही गलत है। तो दोस्तों आपने देखा लोगों ने, कुछ लोगों ने सही जवाब दिए, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिए। भारत के बारे में भारत के लोगों को पूरा तो नहीं पता, खैर सब किसी को भी क्या बता सकते हैं, क्योंकि जो लिखने वाले इतिहास वाले हैं हिस्ट्री वाले लोग हैं वो भी ढूंढ ढूंढ के ही चीज़ें निकालते हैं। तो मैंने जो सवाल पूछे थे उन सबका जवाब अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या मैंने सवाल पूछा था, उनका जवाब सहित मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैंने सवाल पूछा था गणतंत्र दिवस कब आता है, गणतंत्र दिवस हमारा आता है 26 जनवरी को हर साल। और फिर मैंने पूछा था स्वतंत्र दिवस कब आता है, तो वो आता है आपका 15th of August को। फिर मैंने पूछा था कि अब हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है और इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। फिर मैंने पूछा कि हमारा राष्ट्रीय गान किस क्या है, तो लोगों ने बताया उसका जवाब, नेशनल एंथम अपना सब बताते ही हैं, जनगण मन है, तो उसको किसने लिखा था, तो किसी ने सही जवाब दिया किसी ने गलत जवाब दिया, तो इसका सही जवाब है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। अब उसके बाद मैंने सवाल पूछा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या फ़र्क है। 26 फरवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि रिपब्लिक डे। फिर मैंने पूछा कि हमारे जो स्लोगन है आराम हराम है ये किसने बोला था, तो ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि लोगों ने किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया इसका।
फिर मैंने पूछा कि जय जवान जय किसान किसने बोला है, तो उसका आंसर है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि कई लोगों ने सही जवाब दिया, कई लोगों ने इसका भी जवाब गलत ही दिया। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।